हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वकार है। तो 1920 मूवी हमने देखी थी, उसके दो तीन पार्ट देखे थे, जिसमें एक बंदा हवेली जाता है और वहाँ पर वो मंगल मंगल करता रहता है, लेकिन रात को उसका काम तमाम हो जाता है। और उसके बाद एक लड़का है जो शादी कर लेता है लड़की से, लेकिन गाँव वाले उसके खिलाफ हो जाते हैं। आपके साथ अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, तो प्ले करें। हाँ भाई, प्ले करो। क्या होगा? अच्छा हो तुम आ गए। ये देखो, ये रॉयल ब्लूज मॉल के साथ जाएगा ना। ऐसा करो, रॉयल ब्लू को छोड़ो। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? कम, तुम यहाँ बैठो। सेवा में माननीय श्री अर्जुन सिंह, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि पालमपुर में राय बहादुर अत्तर सिंह जायसवाल की हवेली को तोड़कर एक शानदार होटल में तब्दील किया जा रहा है और राय बहादुर साहब ने ये जिम्मा हमारी कंपनी को दिया है। इसलिए कमिटी मीटिंग में आपका नाम तजवीज किया गया है और इसके एवज में आपकी तनख्वाह में 20% 20% का इजाफा किया जाना भी तय हुआ है। श्याम लाल सिसोदिया। कैन यू बिलीव दिस? उस पूरी हवेली को मैं अपने तरीके से डिजाइन करूंगा, उसके इंटीरियर्स, उसके एक्सटीरियर्स सब मैं बनाऊंगा। आई ऑलवेज वॉन्टेड समथिंग लाइक दिस, यू नो लीसा, यू आर रियली लकी फॉर मी। पहला वाला गया है डिजाइन बनाने। हाँ, वो भी इंजीनियरिंग का। कोई ऐसा क्यों करना चाहता है? क्या? इतने खूबसूरत घर को कोई तोड़ना क्यों चाहता है? अरे लीजा, तुम मेरी रोजी रोटी पे लात क्यों मारना चाहती हो? लीजा, तुमने अभी ये देखा है, तुमने अभी वो नहीं देखा जो मैं यहां देख रहा हूं। देखना लीजा, इस जगह पे इतना शानदार होटल बनेगा ना कि तुम भूल जाओगी कि कभी यहां घर भी था। लेट्स गो लीजा। हेलो लीजा। वैसे तो हमारे पहाड़ों का रिवाज है कि मेहमान को लेने के लिए खुद पहुंचा जाए, लेकिन एमके साहब को कोई जरूरी काम आ गया इसलिए वो स्टेशन पर नहीं पहुंच पाए, पर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगी है। पूरा सन्नाटा है भाई हवेली में। आप जहां से आए हैं सुना है वहां मौसम 12 महीने एक जैसा ही रहता है, लेकिन यहाँ पहाड़ों पे ऐसी बात नहीं है साहब। जी में आए तो सूरज भगवान हूँ, मेरे दर्शन देते, और जी में ना आए तो हफ्तों ना रहा, ऐसे में ठंड बहुत बढ़ जाती है। लेकिन मैंने पिछली कोठरी में इतनी सारी लकड़ियां डाल दी है कि आपको 2 महीने तक परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और बिजली नहीं है, पुराना मंदिर वाला राजा तो नहीं जाएगी, गाँव के चौपाल तक तो आ चुकी है। राजाओं महाराजाओं की हवेलियों में अंधेरा क्यों होता है इतना? मतलब नहीं है यार, एक तो ये खामोशी में डरा देती है, लाइटिंग ये नहीं है बस। आज के बाद जो भी हमें हवेली में दावत देगा नहीं जाएंगे हम भी। क्या कर रहे हो? पूरी हवेली की चाबियां लगा के देख चुका हूँ, ये दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। सुबह की रोशनी में आराम से कोशिश करना, हो सकता है खुल जाए। अच्छी बात है,
बलवंत खाना लगा दो। जी ये उठाओ अपने पति को, नहीं सबको अकेला मजा आता है ना। हम ही डरा देते हैं ये सन्नाटे में। एक तो ये खुद हमें डरा देती है इतनी। मोमबत्ती बुझा। कौन है? कौन है तुम्हारी पंडित पूजा करेगा? भाई पर्दे में था भाई। कौन है भाई? ये रोने की आवाज आ रही थी। क्या कर रही हो वहां? ऊपर ऊपर कोई है? कोई है ऊपर? कौन आएगा इतनी रात को? रीजा तुमने फिर से कोई सपना तो नहीं देखा? नहीं अर्जुन, मैंने सचमुच किसी की आवाज सुनी, ऐसे जैसे जैसे कोई बहुत दर्द में हो। और सचमुच रीजा बहुत... ये पहाड़ी इलाका, यहाँ पे रात की खामोशी में जब जोरों से हवा चलती है ना तो अजीब सी आवाजें आती है। अब चलो सो जाओ, मुझे भी सुबह जल्दी उठ के एमके साहब को मिलने जाना है। चलो
जाओ बेटा भाई, ये क्या है इन लड़कियों के, जब भी हम कोई ऐसी भूतिया फिल्म देखते हैं ये लड़कियां मतलब खुद ही सैड ही बन जाती हैं भाई। अकेले अकेले घूमेंगी फिर इतनी सन्नाटे वाली हवेली में, हमारी भी दिल की धड़कन तेज़ कर दी इस लड़की ने भाई। बड़ा डर लग रहा था, ये जो चीखें आ रही थी ना इतनी बड़ी हवेली में, हवेली भी इतनी हवेली है, अंधेरा ऊपर से ये मोमबत्तियाँ भी बुझ गई, लड़की जा रही थी तो फिर रोने की आवाज़ें आ रही थी, चीखने हमारी सांसें अटक जाती ऐसे देखकर भाई। ये मैं तो भाई डर गया हूँ भाई, मेरे में इतना दम नहीं है भाई, बड़ा खौफ है, दिन दहाड़े भी हम डर जाते हैं भाई। ये अभी तो स्टार्ट है, इसको लड़की को क्या खुजली है भाई, और जब दरवाज़ा खुला तुम इशारा दे रहा है भूत है भाई, तुम समझ जाओ ना, ये समझने की बात है, अक्लमंद की बात है ना यार। वो पर्दे से भी एक भाई हमने देखा भाई, वो भी आ रहा था भाई, सारी मोमबत्तियाँ बुझ गई भाई, तुम समझो ना, दिलेर तो नहीं हो तुम भी, काम काम के जा रही हो ऊपर, फिर भी तुम्हें देखना है कौन रो रहा है यार, हमारी सांसें अटका दी भाई, मेरा दम नहीं है ये जिगर।